बम ब्लास्ट या धमाके के लिए नहीं है। आज की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस कहीं ना कहीं एक जिम्मेवार राजनीतिक संगठन होने के नाते हमें यह प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी पिछले 15-20 दिनों से जो नैरेटिव सेट करके जनता का और तमाम बातों का ध्यान भटका रही है, उन मुद्दों के तरफ भी जनता के सवालों पर भी जवाब दिए जाने चाहिए, जनता के सवालों को भी शामिल किया जाना चाहिए। हम ये मानते हैं कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध चल रही कार्रवाई अपना काम करेगी, कानून अपना काम करेगा, अलावे प्रक्रियागत तरीके से महामहिम राज्यपाल के द्वारा जो निर्वाचन आयोग के संबंध में जो भी चीजें चल रही वो कानून अपना काम करेगा। लेकिन साथ ही हम यह मानते हैं कि महंगाई जो पूरे देश की सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है, हमारे आपके घरों की थालियों में सब्जियों की संख्या कम हो गई, मध्यम वर्गीय परिवार की स्थिति बदतर हो गई, पेट्रोल डीजल से लेकर तमाम मूल्य वृद्धि ने निश्चित रूप से लोगों के घरों का बजट बिगाड़ दिया। तो हम ये चाहते हैं कि इस मुद्दे पर भी आज गठबंधन दल के तरफ से अपनी राय हम लोग रखें और इसके उपरांत आपके जो सवाल आएंगे उनका भी हम स्वागत करेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे साथी इरफान साहब इसको कंटिन्यू करें। देखिए, सबसे पहली बात तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो हो रहा है ये महागठबंधन का हो रहा है। आज हम लोग जमे ऑफिस में कर रहे हैं तो समझता एक दिन में हम लोग कांग्रेस ऑफिस में भी करेंगे। मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी ऐसे समय में हमारे जो बड़े भाई बड़े जो पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ हैं हम लोग। और मैं कहना चाहता हूँ, भाजपा जो सपना देख रही है, सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन के बहाने इनको लगता है कि हम सत्ता में चले आएंगे, तो ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सपना देखना छोड़ दीजिए। इलेक्शन कमीशन अपना काम करेगा, नोटिस हुआ है, नोटिस का जवाब दिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से माहौल क्रिएट किया जा रहा है झारखंड में, ये अच्छी बात नहीं है। मैं बीजेपी वाले से पूछना चाहता हूँ, आप मुद्दे पे आइए। आप कभी आयोग को, कभी ईडी को, कभी सीबीआई पर कौन है आप? आज महंगाई की मार देख लीजिए, जनता त्राहिमाम कर रही है। पेट्रोल के दाम 110 रुपये हो गए, डीजल के दाम 107 रुपया हो गया, गैस के दाम 1000 रुपया। तो ये बोलने वाला नहीं है, केवल हमें लगता है कि मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए भाजपा ये कर रही है। हेमंत सोरेन जी की सरकार 5 साल नहीं, मैंने पहले भी कहा कि 25 साल तक यहां काम करेगी। बीजेपी के पास आयातित कहते हैं इम्पोर्ट नेताओं का भरमार है, इनके पास अच्छे लोग नहीं है। बोरो खिलाड़ी से लड़ाई लड़ना चाहती है भाजपा, तो कभी ये सफल नहीं हो सकती है। हाँ, हो सकता है कि आपके पास तंत्र बहुत ज्यादा तंत्र है, इसका आप मिसयूज कर सकते हैं, लेकिन जनता में काफी आक्रोश है और हम लोग सड़क पर उतरने जा रहे हैं बहुत जल्द। कल तो पूरे हर जगह हम लोगों ने पुतला फूका है और जनता में काफी आक्रोश है। एक जो जनता से चुनी हुई सरकार, जो एक स्थिर सरकार झारखंड में आई है, उसको आप अस्थिर कर रहे हैं, ये हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। और अब हम लोग को लगता है कि भाजपा को हम लोग मुंहतोड़ जवाब देने का बारी आ गया है और एक होकर हम लोग मुंहतोड़ जवाब देंगे और जो गलत सपना देख रहे हैं वो बाज आए। राकेश जी, तमाम पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो विगत दिनों से अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए तंत्र का उपयोग करके लोकतंत्र को कलंकित करने का जो काम कर रही है, यह स्वाभाविक तौर पे लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है और हम लोकतंत्र के प्रहरी हैं। एक प्रहरी के रूप में हमेशा हम लोगों ने लोकतंत्र को और इस देश के संविधान को बचाने का काम किया है। तो अब भी वो वक्त है कि हम लोग अपने संघर्षों के माध्यम से इस देश की खोती हुई लोकतंत्र को हम लोग बचाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ भारतीय जनता पार्टी चुनावी में जीत का लाइसेंस महंगाई के दर में वृद्धि करके जो करने का काम किया है, हम तमाम गठबंधन के लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं। आपको पता होगा साथियों कि हर निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय ठेला खोमचा चलाने वाले लोगों के थाली से भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्वार्थ के लिए
प्रधानमंत्री ने अपने शोक पूर्ति के लिए निवाला छीनने का काम किया, जो भी लोकतंत्र के लिए एक खतरनाक सिग्नल है। तो कहीं ना कहीं महंगाई आज देश में चरम सीमा पे है और प्रधानमंत्री अपनी विलासिता में डूबे हुए हैं। प्रधानमंत्री विदेशों का भ्रमण कर रहे हैं और जब विदेश से भ्रमण करके वो आ रहे हैं तो देश की जनता के ऊपर घरेलू गैस के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी करके यह तोहफा देने का काम कर रहे हैं कि जो खर्च हमने विदेश भ्रमण में अपनी विलासिता के लिए किया है वो हम आम जनता को निचोड़ करके निकालने का काम करें। आपको पता होगा साथी कि कैसे इस कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के दौरान जहां इस देश की युवाओं का एक तरफ नौकरी छीनने का प्रधानमंत्री ने काम किया, देश की महिलाओं का पूरा किचन का बजट खत्म करने का काम किया, वहीं अपनी विलासिता के लिए प्रधानमंत्री ने हवाई जहाज तक मंगवाने का काम किया है। तो कहीं ना कहीं हमें यह लगता है कि इस देश में लोकतंत्र अब भारतीय जनता पार्टी के द्वारा खत्म करके राजतंत्र की बुनियाद स्थापित करने का काम भाजपा कर रही है, जो हम महागठबंधन के लोग कतई नहीं होने देंगे। हम लोगों ने अपने सीने पे गोली खा करके इस देश से ब्रिटिश हुकूमत को भी भगाने का काम किया है, तो ये अहंकारी सरकार हमारे लिए कुछ नहीं है। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।